Assalamualaikum and welcome back to my channel with another vlog. व्लॉग्स बना लिया, प्रैंक्स के लिए सब कुछ कर लिया, अब कुछ और कर लो, थोड़े पैसे कमा लो। मैंने अपने नाम का एक क्लोथिंग ब्रांड खोला है कि मेरे जल्दी से जल्दी फॉलोअर्स हो जाएं और मेरी जल्दी से जल्दी बिकाई हो ताकि निम्रा अमीर हो जाए और एक गाड़ी ले ले। पैसा ही पैसा हो। हम लोग तैयार होने वाले हैं, मैं अम्मी को और महविश को अपना वेयर हाउस दिखाने वाली हूँ। ना बिजनेस स्टार्ट किया है, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, दिल गार्डन गार्डन हो। निकलेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि भाई कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितने कपड़े सिल गए हैं। ये गाड़ी मेरी है, मैंने किसको किराए पर दी है। चले आए आप, आपके लिए ये भी लिमोजिनी होनी चाहिए, आप जो पैदल जाती है ना अपने दफ्तर। तो दूर ही है ये, इस तरह का कुछ दिखता है बाहर से, ये लगता है लेकिन अंदर जाके ये वेयर हाउस ही है। ये वाला जो हिस्सा है ये ना समझिए कि यहाँ पर कपड़े इस्त्री होते हैं, यहाँ पर कपड़े कटिंग होते हैं। ये एक मशीन है ठीक है, और ये दूसरी मशीन है, यहाँ पर जो है कपड़े सिलाई होते हैं। 107, 107, मैं भी ऐसे किया करूँ अपने ड्रेस की प्रमोशन। 107, अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना? नहीं। Assalamualaikum and welcome back to my channel with another vlog. तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये मैं आपको बता देती हूँ मैं क्यों। सबसे पहले तो भाई मेरे आप लोग ट्रैवलिंग व्लॉग नहीं देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि भाई कुछ और करना चाहिए, तो आज मैं फिर से अपने घर से व्लॉग बनाना शुरू करने लगी हूँ। बहुत दिन बाद जो है मैं आज अपने घर से व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना था। बेसिकली मैं खुश इसीलिए हूँ क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में एक नया काम शुरू करने वाली हूँ। मतलब 3 साल से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि भाई वायरल हो गए, बोल बोल के व्लॉग्स बना लिए, प्रैंक्स के लिए सब कुछ कर लिया, अब कुछ और कर लो, थोड़े पैसे कमा लो। पैसे मैं अभी भी कमा रही हूँ लेकिन किसी और तरीके से कमा लो, किसी अच्छे तरीके से कमा लो, ये भी अच्छा तरीका ही है यार। खैर हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं क्या करने वाली हूँ, मतलब मुझे सब लोगों ने कहा, मेरी बहन ने कहा कि तुम्हें एक बिज़नेस करना चाहिए, अम्मा ने कहा कि बिज़नेस करना चाहिए, और भी मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरा काम कर लो कोई, मतलब कब तक ये सोशल मीडिया यूज़ करोगी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ काम कर लिया जाए। तो भाई मैंने अपने नाम का एक क्लोथिंग ब्रांड खोला है। मुझे पता है ये थोड़ा फनी लग रहा है लेकिन नहीं भाई, खोला है, सच्ची में खोला है। तो क्लोथिंग ब्रांड खोला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, ये भी सिर्फ मेरा स्टार्टअप है। और मैं खुशी के बारे इतनी खुश हूँ, इतनी खुशी कि मेरा गला ही बंद हो गया, इतनी खुशी मुझे। तो भाई आपकी बहन निम्रा ने सबकी बात सुन ली और स्टार्ट कर लिया है अपना एक बिजनेस। मैंने अपना स्टार्ट कर लिया बिजनेस, बड़े जिगरे से स्टार्ट किया, मतलब एक बिज़नेस स्टार्ट करो और वो चल जाए, ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं होता। तो मैंने सोचा कि भाई निम्रा अब तू एक इनिशिएटिव ले ले और अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर ले। तो भाई मैंने अपना एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया है, एक क्लोथिंग ब्रांड का, जिसका नाम अभी मैंने रखा हुआ है निम्रा प्रेट, या फिर प्रेट बाय निम्रा अली। तो भाई अभी डिसाइड नहीं है नेम, लेकिन मैंने इस नाम का पेज बना लिया, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, आप प्लीज़ जाके मुझे सबसे पहले फॉलो कर लें। मैं चाहती हूँ कि मेरे जल्दी से जल्दी फॉलोअर्स हो जाएं और मेरी जल्दी से जल्दी बिकाई हो ताकि निम्रा अमीर हो जाए और एक गाड़ी ले लें। पैसा ही पैसा हो गया। ठीक है, तो भाई आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं क्या नाम रखूँ, मुझे आर्टिकल्स भी मतलब कॉमेंट्स में बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह उस पर थोड़ा सा वर्क भी करूँगी। ठीक है भाई, अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं, ये महविश है और मैं हूँ, और अम्मी मेरा पार्सल नीचे लेने गई हुई हैं। तो हम लोग तैयार होने वाले हैं, मैं अम्मी को और महविश को अपना वेयर हाउस दिखाने वाली हूँ, जहाँ पर हम लोगों के कपड़े सिलते हैं, ऑर्डर्स बनते हैं और डिज़ाइन और आर्टिकल्स बनते हैं, सब कुछ जो भी बनता है वेयर हाउस का तो आपको पता ही होगा। तो आज हम अम्मी को वो दिखाने वाले हैं। अम्मी को नहीं पता था कि मैंने स्टार्ट किया, मैंने अब अचानक से अम्मी को बताया तो अम्मी बहुत खुश हुई और अम्मी ने कहा कि चलो देखने चलते हैं। तो अम्मी से पहले अम्मी का रिएक्शन लेते हैं कि भई आपकी एक बेटी जो खुद एक स्मॉल बेटी है, फिर वो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करती है, तो आपको कैसा लगता है? तो भाई अब अम्मी आ गई हैं, अम्मी से पूछते हैं अस्सलामुअलैकुम। भाई महविश मुझे नाम सजेस्ट करिए, महविश ने पता क्या सजेस्ट किया, एनजी क्लोथिंग। एनजी क्लोथिंग क्या क्लोथिंग है भाई? निम्रा गुलाम अली क्लोथिंग। कैसे? बेसिकली मेरा पूरा नाम है निम्रा गुलाम अली, लेकिन हमारे मतलब सब बहन भाइयों के नाम में यही है, सहरिश अली, महविश अली, निम्रा अली, तैयब अली। और अम्मी ने अपने मेरे कह रही हूँ अपने हस्बैंड का नाम आगे लगाना गवारे नहीं समझा। नहीं, नहीं, मेरे तो अपने पापा का नाम लगा ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बेसिकली अम्मी का पूरा नाम है शमीम अख्तर। अख्तर नहीं है, आपने बोला अमीन अख्तर है। मैं शुरू से ऐसे यार। नहीं नहीं, शमीम अख्तर है, लेकिन मेरे नाना जी का नाम था गनी, तो अम्मी शमीम अली तो लिखती नहीं है, अम्मी हर जगह शमीम गनी शमीम अख्तर ही लिखती हैं। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा खैर अम्मी जी, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यार। अच्छा
अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन लग क्यों नहीं रहा, अच्छा लग रहा है इसलिए कि दूसरों के ब्रांड पापा को पापा किसी के पार्सल नहीं खोलने पड़ेंगे। हाँ, नहीं नहीं वो भी आएंगे तो खोल लेंगे। बहुत तेज हो रहा है। हाँ मैं खुश हूँ, मेरी बेटी ने अपना ब्रांड खोल लिया है। हाँ। जो हमें कपड़े बाहर से लाने पड़ते थे हम निमरा से सिलाया करेंगे। ये ज्यादा निमरा दर्जी तो बनी नहीं है। खैर नहीं निमरा दर्जी नहीं बनी, निमरा ने दर्जी तो रखा हुआ है। ओ यस, अम्मी समझदार हो गई है। खैर अम्मी को बस इस बात की खुशी है कि अम्मी को नए नए कपड़े पहनने को मिल जाया करेंगे। अब जब भी कोई भी कपड़े सिल के आया करेंगे मैं उसकी ऑफ कोर्स प्रमोशन तो करूंगी ही, तो फिर मैं ऐसे ऐसे कपड़े बनवाया करूंगी कि मेरी अम्मी भी पहन सके, मेरी बहन भी पहन सके और आप लोग भी पहन सकें। तो आप लोगों ने डिजाइन वगैरह मुझे कलर्स वगैरह बताने हैं कमेंट सेक्शन में, फिर मैं उस पर जरूर काम करूंगी। और आज आपको हम अपना वेयर हाउस दिखाएंगे, उसके लिए मैं अम्मी वगैरह हम सब तैयार होने लगे हैं। फिर हम निकलेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि भाई कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितने कपड़े सिल गए हैं और ये वो फ्लाफला। तो अब सबसे पहले होते हैं तैयार। ये देखें मुझे लोगों के पार्सल्स आते रहते हैं, ये देखो टोकरी, मतलब इतना मुझे पार्सल्स आते हैं। अब इनसे जान छूट जाएगी, अब मैं अपने कपड़े पहना तैयार होता हूँ। तो अब हम सब लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए। ये मैं हूँ, ठीक है, और ये अम्मी है, अम्मी ने हिजाब हिजाब कर लिया है। और अब हम आपको दिखाते हैं मैविश, और ये है मैविश जिसने कपड़े कोई और पहने हैं। अब ये दुपट्टा जो है वो कोई और निकाल के पहन लिया। दिखा मैविश जी, तैयार हो गई है। अब हम दुपट्टा छोटा पकड़ते हैं, मेरी भी राइड आ चुकी है तो इससे पहले राइड कैंसिल हो जाए। हम लोग वैसे ही बहुत लेट है, मैंने सोचा था कि मैं पिक्चर्स भी खींच लूँगी क्योंकि इतना तो तैयार हो नहीं है, तो अब जल्दी जल्दी निकलते हैं ताकि डे लाइट में हम पिक्चर्स भी खींच सकें। आ जाओ अम्मी जी, इतना तैयार शेयर होकर जा रही हूँ ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। करवाया हमने रिक्शा ही है, अच्छा इंप्रेशन के चक्कर में हमें गाड़ी करानी चाहिए थी, हमने रिक्शा कराया। ये गुर्बत नहीं जान छोड़ी, ये गाड़ी मेरी है, मैंने किसको किराए पर दी हुई है। मैं पहले आके बैठ गई हूँ, मेरे घर वाले फिर नहीं आए। पता नहीं टाइम की पाबंदी कब करेंगे और कामयाब कब होगे, जिसने वक्त की पाबंदी ही ना की ये कामयाब भी नहीं होते। चले आए आप, आपके लिए ये भी लिमोज़िन होनी चाहिए, आप जो पैदल जाती है ना अपने दफ्तर। हाय दोस्तों, एक्सप्लेन करने के लिए टाइम बहुत कम है तो जल्दी से ये प्रोमो कोड यूज कर, इससे आपको मिलेगा 150% बोनस जिससे आप मोस्ट पेट की जबरदस्त गेम खेल सकते हैं जो कि है एक अनलिमिटेड गेमिंग प्लेटफॉर्म। मुझे तो एविएटर बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये एक्साइटमेंट से भरपूर है जो कि किसी और गेम में नहीं। बड़ा जीतने का मौका जाया ना करें, प्लेन उड़ने से पहले जीत आपके हाथ में। एविएटर तो मेरी फेवरेट है लेकिन इसके अंदर अदर हार्ट जेटएक्स क्रैशएक्स और बहुत सारी गेम है जिसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और फन है और इनको खेलकर आपको रोजाना की बोरियत से निजात मिलती है। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो अभी जाएं रजिस्टर करें और यूज करें ये प्रोमो कोड। इसको यूज करने पर आपको मिलेगा 150% बोनस और 250 फ्री स्पिन आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर आपके साइन अप करने के बाद। अपनी इस बोरियत से जिंदगी को छोड़ो और मोस्ट बेट के साथ मिल जाओ। तो फाइनली मैविश और अम्मी जो आ चुके हैं वेयर हाउस, ये मेरे घर से बहुत दूर है, ठीक है, क्योंकि मेरे घर के पास इतना बड़ा घर नहीं था तो दूर ही है। ये इस तरह का कुछ दिखता है बाहर से, ये लगता घर है लेकिन अंदर जाके ये वेयर हाउस ही है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर से कि कहाँ कौन कौन सा काम हो रहा है, कितना काम हो चुका है। बेल भी नहीं लगा, एक्साइटेड। अस्सलाम वालेकुम, ये अश्ना है मेरी दोस्त। कैसी है? मेरे भी मैं ठीक ठाक हूं, मैं ठीक हूं। शुक्र, पहले हम बैठते हैं, पानी शानी पिएंगे और फिर आपको वेयर हाउस दिखाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से क्योंकि स्टार्ट ही ऊपर से होता है, जैसे कपड़े आते हैं, कटिंग होती है, जो भी कुछ होता है वो सब कुछ ऊपर से स्टार्ट होता है। तो चलते हैं, सबसे पहला जो हिस्सा आता है वो आता है कटिंग का। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे अंकल आप? शुक्र अल्लाह का बेटा, ठीक है। अच्छा ये वाला जो हिस्सा है ये ना समझिए कि यहाँ पर कपड़े इस्त्री होते हैं, यहाँ पर कपड़े कटिंग होते हैं और कटिंग से पहले इस्त्री होने बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने काम शुरू किया तो मैं आधी टेलर भी बन चुकी हूँ, मुझे ये भी आता है। इवन मेरी बड़ी बहन भी जो है वो टेलर ही है तो हम लोगों को पता है। ये इस तरह से कपड़े रखे हुए, ठीक है, यहाँ पर जो है वो कटिंग वगैरह होती है। फिर उसके बाद इधर से आगे आए ना, थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पर मेरा फेवरेट वाला हिस्सा आता है जहाँ पर कपड़े सिलते हैं। अगर कपड़े सिले ना तो बनेंगे कैसे? मुझे तो देख रहे हो काम शाम हो रहा, अच्छा लग रहा है। ताड़ी बेटी के कपड़े सिल रहे हैं, ताड़ी बेटी के ब्रांड के कपड़े सिल रहे हैं। अच्छा ये एक मशीन है, ठीक है,
और ये दूसरी मशीन है, यहाँ पर जो है कपड़े सिलाई होते हैं। तो अभी जो है काफ़ी सारा स्टॉक मंगवा के रखा हुआ था और इसको हम लॉन्च भी करेंगे कुछ ही दिन में, मतलब संडे को मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो आपने लाजमी जाना मेरे पेज पर और देखना है कि कौन कौन सा स्टॉक आ गया है। मतलब ज़्यादा वैरायटी अगर आप चाहते हैं तो हम लोग बहुत कम, मतलब लिमिटेड स्टॉक रखते हैं ताकि आपको अच्छी से अच्छी वैरायटी मिले। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मतलब मैं ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं पहनती, और मुझे लगता है कि मेरे जैसे ही लोग होंगे जो कहते होंगे भाई हम अच्छे कपड़े पहने और कम पैसे वाले पहने, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी मिल रही है कपड़ों की, वो भी एक रीजनेबल प्राइस में। तो कहाँ मिलेगी? निमरा स्प्रेड पे। सो गो एंड फॉलो माय पेज। खैर, अंकल से सवाल करते हैं, आप लोगों से रिलेटेड, क्योंकि मैं पतली हूँ तो मुझे बड़ा मसला होता है कि मेरे साइज के कपड़े नहीं सिलते। तो मेरी तरह के लोग होंगे जो पतले होंगे, मोटे होंगे, तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको ना बाकी पेजेस पे सिर्फ मीडियम, स्मॉल और लार्ज साइज मिलते हैं, लेकिन आपको मेरे पेज पे कस्टमाइज मिलेंगे ऐसा मुझे लगता है। अंकल से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अच्छा अंकल, अगर कोई मोटा बंदा है तो आप उसको कस्टमाइज कपड़े बना के देंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह बना के देंगे, अच्छा से बना के देंगे। अच्छा, अच्छे से अच्छा बना के देंगे, सिलाई भी अच्छी से अच्छी करके देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, बड़े प्यारे लग रहे हैं मेरे। ठीक है, ये है सारा सिलाई वाला रूम। ठीक है, ये देख लें आप। ठीक है, ये एम ही है। फिर इस तरफ आए थोड़ा सा, इस तरफ। तो ये जो है कुछ स्टॉक है, ये बेसिकली वो स्टॉक है जहाँ पर अनस्टिच कपड़े बस रहे हैं, सिर्फ अनस्टिच कपड़े। लाइक जैसे ही ऑर्डर आए तो फिर यहाँ से निकल के फॉरन से कटिंग वगैरह होकर सिलाई होने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा हुआ है। ये देखें, ऊपर भी है, ऊपर भी है। हर तरह के सूट आप कस्टमाइज करवा सकते हैं। और इस तरह से बाहर आए तो यहाँ पर एक और रूम है, जब यहाँ पर ना आर्टिकल जब तैयार हो जाता है ना, तो यहाँ पर इसको इस मैं तो होती नहीं हूँ, हर रोज थोड़ी होती मैं, तो इसको हम बना के देखते हैं कि अगर इस पर अच्छा लग रहा है तो फिर बाकी पर भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अभी वैसे काम हो नहीं रहा, क्योंकि मैं अम्मी को बहुत लेट लेकर आई हूँ 7 बजे। इधर वाले जो अंकल है ना, उनकी छुट्टी कर देते हैं, छुट्टी नहीं कर देते, मतलब उनकी छुट्टी हो जाती है 7 बजे। तो यहाँ वाले अंकल चले गए, ये मतलब यहाँ पे काम हो रहा होता है। अब ये ना समझिएगा कि भाई फादी क्या काम नहीं हो रहा। और ये जो है, ये वो कपड़े हैं जो बिल्कुल रेडी हो गए, यहाँ पर हो चुके हैं, अभी पहन पहन के चेक करेंगे कैसे लगता है। अच्छा, अभी जो हमारा एक आर्टिकल तैयार हो रहा है, वो मुझे नहीं पता कि क्या तैयार हो रहा था। मास्टर साहब से पूछते हैं, क्या कर रहे हैं मास्टर साहब? जी मैं सिंगल प्रेस काट रहा हूँ, ये कोट कलर की तरह होता है लेकिन आगे से ओपन होता है। ठीक है, तो ये किस रंग का है? पिंक कलर का, ब्लैक और पिंक, पिंक कलर में हम बना रहे हैं, कंट्रास्ट होगा, कंट्रास्ट में बना रहे हैं, और इंशाल्लाह ये आप जो चीज बनेगी ना तो आपको मजा आएगा। ठीक है, पहनना तो मैंने ही है, तो मुझे तो अच्छे से अच्छे कपड़े भी पहन के मजा ही आता है। आप अच्छा काम करें, कस्टमर खुश होना चाहिए। मतलब ये सारे तो रेडी हुए हुए कपड़े, लेकिन जो मेरे ब्रांड का पहला ड्रेस जो मैं लॉन्च करने जा रही हूँ, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि निमरा किस तरह के कपड़े बनाना चाह रही हूँ। मतलब अफोर्डेबल भी, क्योंकि मैं बहुत मिनिमल डिज़ाइन पहनती हूँ, तो मुझे लगता है कि आजकल के लोग भी मिनिमल डिज़ाइन ही पहनेंगे। तो ये मैंने डिज़ाइन किया है पहला आउटफिट। तो ये है पहला आर्टिकल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबका फेवरेट कलर ब्लैक होता है, तो मैंने स्टार्ट ही ब्लैक से लिया। वैसे मेरा फेवरेट कलर वाइट है, तो अगर आप लोग मुझे कलर्स और डिज़ाइन बताना चाहते हैं आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन ये आप प्रेड निमरा प्रेड पे जाके बताइएगा। ठीक है, तो आपको अपना आर्टिकल दिखाते हैं। अल्लाह के नाम से, एक सौ साठ, एक सौ मैं भी ऐसे किया अपने ड्रेस की प्रमोशन। खैर, ये शर्ट है, ठीक है, ब्लैक कलर की शर्ट है, उसके ऊपर जो है वो फ्लावर्स बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ ना इंस्टाग्राम पे, तो बड़े फ्लोरल से ना आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इन होना चाहिए। या सोचोगे कि शर्ट बड़ी छोटी है, बेसिकली मैं मॉडल भी हूँ अपने ही ब्रांड की, तो मेरा साइज ही उन्होंने बनाना था। तो ये शर्ट है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। और साथ में हम लोगों ने बनाया शरारा, ये आपको इसका शूट भी मिल जाएगा अनकरीब, जब मैं लगाऊंगी अपने पेज पे, जब आप मेरे पेज पर जाकर देखेंगे तो आपको इसका शूट मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल्स के लिए आप डीएम जरूर कीजिएगा मेरे पेज पे। तो ये है हमारा आखिरी रूम की बात, इसके बाद भी आपको चले जाते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पर जो है, जब कपड़े सारे पैक हो जाते हैं ना, सारे रेडी हो जाते हैं बिल्कुल, मतलब काम हो जाता है, तो यहाँ से शिपिंग के लिए कपड़े होते हैं। ठीक है, ये मेरी टीम है, मैं अकेली नहीं हूँ, ये सब मेरी टीम है,
और जब एक इंसान शिद्दत से किसी चीज को चाहे तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये वही कायनात है मेरी। खैर ये यहाँ पर सारे ऑर्डर्स पड़े हैं, जैसे ही जिसका ऑर्डर आता है मतलब जिसका ऑर्डर आता है फिर उसको हम शिप करवा देते हैं। और ये जो है सारा सोशल मीडिया हैंडल करती है। जब भी आप ऑर्डर करते हैं ना, तो क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी भी जाती हूँ फिर मैं बाकी काम भी करती हूँ, तो अब ऐसा तो है नहीं कि निम्रा ली आपको रिप्लाई, अब आप मेरे फैन हैं तो आप ये सोच रहे हैं निम्रा ली का ब्रांड ऐसे बात हो जाएगी इसको मैसेज कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता भाई। तो ये जो है आपको आपसे बातचीत किया करेंगे, आपके सारे ऑर्डर शॉर्डर दिया करेंगे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। और ये है यहाँ से जो है वो शिपिंग के लिए चल रहा था। मुझे तानू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना तानू, मजा आ रहा है ना? नहीं अभी तो मतलब मेरा स्टार्टअप है ना, तो ये ऑनलाइन बिजनेस है। आप देखिएगा एक दिन निम्रा का ब्रांड भी खुलेगा। दादी छोड़ दी है बहुत ज्यादा, नहीं छोड़नी नहीं है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो देखें, अल्लाह जरूर चाहेंगे। अम्मी तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी अभी आप देखें अम्मी ने ये सादे कपड़े पहने हैं। अभी आप अगले ब्लॉग में आपको निम्रा अली के ब्रांड का कपड़ा अम्मी ने पहना हुआ नजर आया होगा। अब जो मैं अपने कपड़े सिलवाया करूंगी वो मैं अम्मी के भी सिलवाया करूंगी, सेम सेम बट डिफरेंट। मैं इसका भी हम फ्री में दे दिया करेंगे कपड़े, ये इसके पास तो वैसे ही कुछ नहीं होता पहनने को। है ये भी मेरा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इस तरह से आ जाए तो ये एक एरिया है, क्योंकि ये एक घर वाला मतलब था, प्रॉपर फैक्ट्री तो है नहीं, घर वाली जगह नहीं होती। तो ये एक एरिया है फारिसा, यहाँ पर शीशा लगा हुआ है। अक्सर जो मिरर वीडियोज है ना वो बहुत आजकल चल रही होती हैं, तो ये मिरर लगवाया ताकि मैं यहाँ पर मिरर वीडियोज भी बनाकर ऑडियंस को प्रॉपर एक ड्रेस दिखा सकूँ। फिर इस तरह से आप इधर आ जाए ना, तो एक किचन है क्योंकि वर्कर्स काम कर रहे हैं तो खाने पीने का सामान वगैरह तो होना ही चाहिए, तो इसलिए ये थोड़ा सा वो वाला किचन वाला एक है। ये जो है ये चार आर्टिकल्स हम लोगों ने तैयार करवा के रखे हैं, थोड़े कैजुअल क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मुझे बड़ा हंसा आता है कि मैं क्या कपड़े पहन के जाऊँ क्या नहीं, तो ये उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया। और ये ऑल ओवर सीजन है मतलब आप सर्दियों में पहन सकते हैं और गर्मियों में पहन सकते हैं। और ये तो सादा से सूट है, ठीक है आप देख सकते हैं। ये इनका भी शूट होना है, तो ये हम देख रहे हैं कि भाई इसका शूट कैसे करना है। फिर शूट आपको मिल जाएगा मेरे निम्रा ब्रेड पे, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैंने जूड़ा बांध दिया, मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा, तो आपको लिंक मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएँ और मुझे फॉलो करें, ठीक है। ये मैं पहन के चेक कर रही हूँ कि भाई मेरे साइज़ का है कि नहीं है, क्योंकि मैं तीन चार पहले अपने साइज़ के सिलवाती हूँ फिर हम उनका शूट वगैरह करते हैं। तो ये साइज़ देखते हैं मेरा, मैं सारे आर्टिकल पहन पहन के अप्रूव कर रही हूँ। और ये है मेरा फेवरेट वाला आर्टिकल, मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखने के। कितना खूबसूरत नेकलाइन है और प्रिंट बिल्कुल सिंपल सा है। और ये ट्राउज़र है, पता नहीं कौन सा ट्राउज़र कहते हैं इसको। तो बहुत ज़्यादा खा पी लिया इन सब ने, अब बारी है घर, अब बारी आती है घर पर जाने की। तो हम लोगों ने राइड करवा ली है, अब हम लोग घर जाएंगे। ये मेरे सारे कपड़े जो हैं वो मैंने इसके अंदर डलवा लिए हैं ताकि मैं घर जाऊँ पहन पहन के चक्कर हूँ और फिर उनका शूट करूँ। आउटडोर शूट में ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर मेरी ट्रांजेक्शन भी बनानी होती है, तो वो सब कुछ बनाएंगे फिर इसको अपने पेज पर अपलोड करेंगे और वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। हो गया आपका जूड़ा, तो फिर उठ जाओ। लोग आ चुके हैं घर पर, जब मैं घर आई मैंने कमीज चेंज करी तो मुझे याद आया कि भाई एक्स्ट्रा भी करना है, तो भाई आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है निम्रा_स्प्रेड के नाम से, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे जल्दी जल्दी फॉलोअर बढ़ जाएँ और मैं अच्छा अच्छा जो है वो क्लोथिंग स्टाइल जो है वो आप लोगों को दिखाऊँ। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं किस तरह के आर्टिकल्स निकालूँ और डिज़ाइन वगैरह आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कस्टमाइज़ भी मतलब करवाया करूँगी। और आई नीड योर सपोर्ट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और इस बार मेरे ब्रांड को भी दुआओं में याद रखें। अम्मी महविश तैरिश बहुत खुश थे कि भाई निम्रा पीआर के कपड़े पहन पहन के थक जाती थी, तो आज निम्रा को अपने कपड़े पहने पड़ेंगे। ये मैंने पीआर के कपड़े पहने हैं, अब आगे जो है इंशाल्लाह मैं अपने कपड़े पहनकर अपने व्लॉग्स बनाया करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कर दें और जल्दी से भाई मेरे 300 के करवा दें, अटके पड़े हैं 377 पे, 277 पे, तो 300 करवा दें। और अल्लाह हाफिज़।